दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम बात करेंगे टॉप 3 इंडियन हैकर के बारे में। एक ऐसा इंडियन हैकर जिन्होंने लगभग 900 से ज्यादा इंटरनेशनल ईमेल को हैक कर लिया, और एक ऐसा हैकर जो कंप्यूटर की पासवर्ड को कुछ ही सेकंड में क्रैक कर देता। ये इंडियन हैकर इतने खतरनाक है कि किसी भी विदेशी हैकर को मात देने की क्षमता रखते हैं। तो दोस्तों वीडियोस काफी ज्यादा मजेदार है, तो वीडियोस को पूरे लास्ट तक जरूर देखना। Driven our world to a drastic state of vulnerability, selves to the effacement of the digital self. अमित विक्रम तिवारी पुणे के रहने वाला 30 वर्षीय अमित पेशे से एक इंजीनियर था, पर उसका बचपन से ही इंटरेस्ट हैकिंग में था। लेकिन इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला जिस काम की उसे तलाश थी। बाद में अमित ने पैसे कमाने के लिए खुद की दो वेबसाइट बनाई, जो था hirehacker.net और anonymity.com। इन वेबसाइट में पूरी दुनिया से लोग ईमेल को हैक करने के लिए ऑर्डर देते थे, और किसी भी ईमेल को हैक करने के लिए अमित 300 से 400 डॉलर लेते थे, जो कि इंडियन करेंसी में 25 से 30,000 होते हैं। समय बीतता गया और अमित ने लगभग 900 से ज्यादा इंटरनेशनल ईमेल को हैक किया। अमित इन ईमेल को हैक करने के लिए चाइना और रोमानिया की प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करता था, जिससे कंपनी को ये लगता कि हैक चाइना और रोमानिया से हो रहे हैं, और अमित कई देशों के लिए खतरा बन गया था, जिससे दबाव में आकर CBI ने उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। त्रिस्नीत अरोरा, जिसे कि इंडिया में हैकिंग हीरो भी कहा जाता है। त्रिस्नीत को बचपन से ही हैकिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट इतना बड़ा हो गया कि 8वीं क्लास में त्रिस्नीत बाकी सब्जेक्ट में ध्यान न देने के कारण फेल हो गया। यह सब होने के बाद भी त्रिस्नीत ने हार नहीं मानी, और उसे पापा ने भी साथ दिया, और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में त्रिस्नीत ने अपना कदम रखा। सीखते सीखते वो इतने खतरनाक और शातिर बन गया कि किसी भी कंप्यूटर का पासवर्ड को तोड़ना उसके बाएं हाथ का कमाल था। फिर बाद में उसने TAC सिक्योरिटी नामक खुद की एक कंपनी बनाई, जो कि नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करती थी। देखते ही देखते त्रिस्नीत ने अपनी पहली कमाई 60,000 से की, लेकिन धीरे धीरे उसकी कंपनी बड़ी बन गई और महीनों का लाखों कमाने लगा। और अगर हम आज की बात करें तो त्रिस्नीत CBI, गुजरात पुलिस, पंजाब पुलिस, अमूल, रिलायंस और भी बहुत सारी कंपनी को साइबर सिक्योरिटी प्रदान करती है, और आज उसकी कंपनी का वैल्यू 2,000 करोड़। त्रिस्नीत ने हैकिंग टॉक विद त्रिस्नीत अरोरा द हैकिंग एरा नामक किताब भी लिखी है। राजेश बाबू, राजेश भारत के एक प्रसिद्ध एथिकल हैकर है। एक समय में राजेश मोस्ट डेंजरस हैकर ग्रुप यानी कि ब्लैक हैट हैकर्स ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था। अगर आप लोग ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में नहीं जानते तो हमने उसके ऊपर भी वीडियोस बनाया है, एक बार चेकआउट जरूर करना। लेकिन राजेश बाबू कई गवर्नमेंट ऑफिस और एजेंसी के साथ काम किया है, लेकिन राजेश अभी वो अपने ही कंपनी मिरॉक्स और टेक्नो पार्क के ओनर है, जो कि केरला में स्थित है। तो दोस्तों वीडियोस कैसा लगा? अच्छा लगा तो धपाधप लाइक मारो, और भी हैकर की वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट करो। तो मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए बाय।